Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue as your regular basis. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो पिछले वीडियोज में आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया था, जिसमें आपने हेल्पिंग वर्ब्स टाइप के अंतर्गत आपने डू डच यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और डिड जिसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्टेड यानी चेंजिंग प्रारूप के सेंटेंसेज स्टडीज किए थे। तो आज उसी के आगे क्रम बढ़ाते हुए हेल्पिंग वर्ब का हम विभिन्न रूप से स्टडी करेंगे। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब में अभी तक आपने डू डज और डिड का जो सेंटेंसेज बनते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव रहा हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव रहा हो, उसका आपने स्टडीज किया है। आज उसी के आगे के सेंटेंसेज वाक्य को सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर बताएंगे इस वीडियोज़ के माध्यम से। तो आप लोग देखें, समझें और भरपूर प्रयास करें, क्योंकि आपका काफ़ी इसके पहले भी रिवीजन हुआ है। तो आज इस वीडियोज़ में देखें आप कैसे स्टडी करते हैं अपने पॉइंट को। जैसा कि टाइप वन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप स्टडीज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आपको हेल्पिंग ग्रुप टाइप पढ़ाई जा रही है। इसमें आपने डू डज इच एम आर वाज वन हैज हैव हैड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट का स्टडीज करना बाकी है। आपका डू डज डिड इंड हो गया है। तो रूल नंबर वन की बात करें, सो या सेक्टो के स्थान पे हम लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे, इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन इफ या विदर लगाएंगे। तो चलते हैं उसी के आगे एग्जाम्पल्स को सोल्यूशन करते हैं। अब हम आज बात करेंगे इच एम आर। यहाँ तक आपने स्टडीज कर लिया है जिसे हम डू डज डिड बोल सकते हैं। अब इच एम आर इसके आगे के हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर वन। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर यू बिजी इन योर वर्क, क्या तुम अपने कार्य में व्यस्त हो। देखते हैं आंसर। सेड सेड टू के स्थान पर आज कर, आई आज कर हिम, इनवर्ट कॉमा हटाने के लिए इफ यू विदर, आर बोलोगी यू सेकेंड पर्सन चेंज करेंगे, यू सब्जेक्टिव यस हिम ऑब्जेक्टिव। अगर ये सब्जेक्टिव है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। इज एम आर को वाजन चेंज करें, वाजन बिजी बिजी, इन इन योर चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, चेंज करें सेकंड पर्सन में, योर पजेसिव हिम का पजेसिव हिज, ये आपका आंसर हो। आई आई सेट सेट टू के सामने आज कर लिख दिया, आज कर हिम हिम, इन्होंने काम हटाने के लिए लगाया, आर को रोके पहले हेल्पिंग वर्ब को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट पार्ट के सेंटेंस को हमें पहले अफर्मेटिव बेस में चेंज करना होगा। जब अफर्मेटिव बेस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रोक लीजिए, आर को रोका, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू सब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट ही, इज एम आर को चेंज करेंगे वाजर में, बिजी बिजी, इन इन योर सेकंड पर्सन में, योर पजेसिव हिम का पजेसिव हिज, योर वर्क, ये आपका सोल्यूशन नंबर वन रहा। अगला बात करते हैं, उसने मुझसे कहा क्या मैं तुम्हारी बहन हूं। देखते हैं पर आज कल लिखेंगे निशा हटाने के लिए यानी इनवर्ट कॉमा हटाने के लिए क्या वेदर लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा, इफ आई एम को रोके पहले, आई चेंज करते फर्स्ट पर्सन, आई सब्जेक्टिव सी का सब्जेक्टिव सी, इज एम आर को चेंज करेंगे वाजन, योर सेकेंड पर्सन में चेंज किया था, चेंज करें सेकेंड पर्सन, योर पजेसिव मी का पजेसिव माई,
ये आपका आंसर। सी सेवे सेक्टर के स्थान पर आस्क भी लिखा, लिख दिया इन्वर्टर काम हटाने के लिए इफ लिखा हमने। जब ये वाला वाक्य रहेगा रिपोर्ट पार्ट का वाक्य रहेगा इंट्रोगेटिव, तो उसे हम क्या करेंगे सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, इन साधारण वाक्य बनाएंगे। जब साधारण वाक्य बनाते हैं तो आई एम प्रोनाउन के पहले यहाँ पर आई चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन में सी, आई सब्जेक्टिव सी का सब्जेक्टिव सी, इज एम आर का वाज जेंडर सी के साथ वाज, योर चेंज करते हैं सेकंड पर्सन में योर पजेसिव मी का पजेसिव माई सिस्टर सिस्टर। ये आपका एग्जाम्पल एक और साल हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हरी सेक्टर में हरी ने मुझसे कहा इज इट रेनिंग टुडे, हरी ने मुझसे कहा इज इट रेनिंग टुडे। हर करते हरी आस्क्ड मी, इनवर्ट काम हटाने के लिए वेदर इज को रोके इट थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं तो पहले क्या आएगा इट आएगा। इज एम आर को वाजर में चेंज करें, रेनिंग रेनिंग टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। चलते हैं अगले एग्जांपल से की ओर जो आपसे रिलेटेड है यहां पर क्वेश्चन से। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर जिसे मान ले लीजिए लिखा है यहाँ पे वाच, वाच वर्ग का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे सी से उसने कहा क्या लड़के शरारती थे, हल करें सी सी सेट के स्थान पर आज कर तो सी आज कर। इनवर्ट कॉमा हटाने के लिए क्या करेंगे इफ या वेदर, इधर वाले वाक्य को बनाएंगे अफर्मेटिव बेस पे। जब अफर्मेटिव बेस पे बनाएंगे तो वर्ब को यदि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है उसको रोक लीजिए, उसको पहले मत चेंज करिए। तो हमने क्या किया वर्ब को रोक लिया, द बॉयज पहले के थर्ड पर्सन नहीं चेंज करते, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो द बॉयज पहले लिखा, अब लिखे हेल्पिंग वर्ब को ये आपका क्वेश्चन था। सी आस्क इफ द बॉयज वर नॉटी। अगले एग्जांपल की ओर चलें, आई सेड टू हिम वाज मैंने उससे कहा क्या हरी एक अच्छा अध्यापक था, तो हल करें देखते हैं आई सेड सेक्टर के स्थान पर आस्क कर आई आस्क कर हिम, इनवर्ट कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर इफ लिखें, वाज को रोके थर्ड पर्सन यानी हरी को चेंज नहीं करेंगे, वही है जो लिख देंगे हरी, वाज है तो वाज ही रहेगा, एक गुड टीचर टीचर। ये आपका क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इसे में वाज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाता तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप लोग जानते हो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा, जैसे एक एग्जांपल दें आपको इसमें चेंज करना होगा।
मोहन ने कहा क्या लड़कियां आवाज कर रही थी, शोर मचा रही थी। मोहन सिर के स्थान पर आवाज करे थे। इन्होंने काम हटाने के लिए इफ या बदल देखिए इफ लिखा। अब ये वाक्य देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया। आप जानते हो हमने बताया भी है स्ट्रक्चर में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हल करते हैं। तो क्या करेंगे वाज वर्ब के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा हैड बीन, इसका आपको ध्यान रखना। तो गॉगल्स पहन लिखे ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले एग्जांपल से कि वो ध्यान देते जाएं बिल्कुल। अगला एग्जांपल है द टीचर सेड। अध्यापक ने कहा क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है या होमवर्क पूरा कर लिया है। चेंज करें द टीचर सेड सेक्टर के स्थान पर आज करो द टीचर आज करो इन्होंने काम हटाने के लिए फेवर एक हैज है वो रोके पे हेल्पिंग वर्ब को रोके यू चेंज करते सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट गायब, जब ऑब्जेक्ट गायब हो तो दो में से एक चीज को आपको कंफर्म करना होगा। लड़का मानोगे तो ही, लड़की मानोगे तो सी। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग बात कर रहा है तो क्या आएगा दे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर क्या मान लें अध्यापक ने जिससे भी कहा वो क्या है लड़का है, क्या है लड़का देखते हैं। यू चेंज करें सेकंड पर्सन में, अभी हमने क्या माना था ही जो पजेसिव है तो यहाँ पे ही है तो क्या आ जाएगा ही पजेसिव केस। ये आपका क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई शक्तिधर मैंने उससे कहा क्या मोहन ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। चेंज करें आई सेड शक्तिधर के स्थान पर आस्क करें आई आस्क हर। इन्होंने काम हटाने के लिए इफ या वेदर लगाया इफ है सबों के पे मोहन थर्ड पर्सन नहीं चेंज करेंगे हैज है को हैड है। हर वर्क हर वर्क इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगला एक और क्वेश्चन देते हैं देखते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए हैज हैव को हैड में चेंज किया, इसी तरीके से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी चाहे विल होगा तो उसको पास्ट में चेंज करेंगे वुड में। अगर वुड है तो वुड ही रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो पास्ट में है उसको पास्ट ही रहने देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं लड़की ने लड़का से कहा क्या कहा। लड़की ने लड़का से कहा क्या तुम चाय लोगे। देखते हैं अपन द गर्ल आस्क्ड द बॉय बराबर ही विल को चेंज करें वर्ड में ही वुड टेक टी
तो ये चेंजेस है आपका द गर्ल द गर्ल सेट के स्थान पे आस्पद द बॉय द बॉय। इन्होंने काम हटाने के लिए फिर लिखा इधर वाले वाक्य को अफर्मेटिव बनाइए, विल को रोके पहले यू चेंज करेंगे सेकंड में बॉय माने ही, विल को चेंज किया वर्ड में टेक की टेक की, ये आपका आंसर है। अगला एग्जांपल देखिएगा उसने कहा क्या आज वर्षा हो सकती है, हल करें जरा देखते हैं ही सर के सामने पर आज कर ही आज कर इन्होंने काम हटाने के लिए इफ इफ मैं को रोके एक थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा वही आ जाता है मैं को चेंज किया माइट में टुडे को दैट डे में ये आंसर है ही आज कर सर के सेक्टर के सामने आज कर। अब इन्होंने काम हटाने के लिए इफ लिखा उन्होंने, इसके बाद आया इट को पहले लिखा मे को चेंज किया माइट में रेन रेन टुडे को डेड डे, ये आपका क्वेश्चन रहा। आज का वीडियो यहीं तक बच्चों, आप लोग वीडियोज़ को देखें, आपके इंट्रोगेटिव टाइप यहां पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियोज़ में आपको डब्ल्यू एच टाइप पढ़ाया जाएगा, आप तब तक इसके लिए रेडी रहें, वीडियोज़ को इंतजार करें। ओके।